जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रोशन शास्त्री में। आज हम लोग बात करेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में फूड सेफ्टी ऑफिसर के रिक्रूटमेंट निकलने वाली है। शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग आज हिंदी में बात करेंगे। बेसिकली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में वीडियो बनाइए तो रीच ज्यादा होगा, हम लोग तक पहुंचेगा, आर फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ इंडिया कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। बट माई फ्रेंड, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव होता है उसमें हिंदी का होना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। टोटल 120 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिंपली एमएससी केमिस्ट्री। मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर देयर, बट हमारा फोकस एमएससी केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है। व्हाट इज द लास्ट डेट? लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इज 27th of April 2025। मतलब अभी अच्छा खासा आपको टाइम मिलने वाला है। तो चलिए इस एमपीपीएससी का एफएसओ का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव इन्होंने निकाला हुआ है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। ये है एडवर्टाइजमेंट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बोला जाता है हिंदी में। सो उसके ही ऑफिस का विज्ञापन है ये। सो लास्ट डेट इज योर 27th of April 2025। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है? तो जो आपकी पोस्ट है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा 28th of March से लेकर 27th of April। अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट नहीं हुआ है, 28th March को फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा और 27th April को खत्म हो जाएगा। अभी एग्जाम डेट्स उन्होंने रिलीज नहीं करी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? जो आयु की गणना, मतलब जो एज होना चाहिए वो 1 जनवरी के रिस्पेक्ट में काउंटिंग की जाएगी। और एक और बात, यहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, मतलब डोमिसाइल होने की कोई जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ हिंदी उसके क्लास 10th में होना चाहिए। 28th April को फॉर्म फिलअप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और कोई भी फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे कोई एरर आपने कर दिया, कोई त्रुटि अगर आ गई, उस त्रुटि का समाधान भी है 1 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आप उस त्रुटि का समाधान कर पाओगे। लेकिन हर एक एरर के लिए आपको ₹50 देने पड़ेंगे सरकार को। पीएससी के लिए जब एप्लीकेशन करो तो पहले सारे इन्फॉर्मेशन रख लो एक तरफ, उसके बाद करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रसायन विज्ञान, एमएससी केमिस्ट्री। ये देखो, रोजगार पंजीयन की बात की जा रही है, बोल रहे अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय पंजीयन की से मुक्त रखा गया है। मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड जो होता है, मतलब अगर आप दूसरे स्टेट को, अगर एमपी के स्टेट से नहीं हो, दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हो, तो आपको एमपी का या किसी भी स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, आपके पास वो कार्ड होना जरूरी है। नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत है, लेकिन वो होगा तो आपको सही रहेगा आपके लिए। एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा इसका? एग्जाम सेंटर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 ही है सिटीज जहाँ पे इनका एग्जाम सेंटर होगा। हम वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। एलिजिबल कौन है? भारत के नागरिकों, मतलब इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल। उसमें बोल रहा है टोटल 120 पोस्ट है। उन 120 पोस्ट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से, अनरिजर्व में 28, एससी 16, एसटी 28, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस। उसमें से भी उन्होंने फिर से कर दिया है कि इनमें से भी कुछ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के जो महिलाएं हैं, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के रिजर्व है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो फिजिकली हैंडीकैप या स्पेशली चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व है। एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के होने चाहिए। जो इसका पे स्केल है वो 15,600 से लेकर 39,100 का पे स्केल है। मतलब अगर हम सेवन पे कमीशन की बात करें तो पेएबल 10। एज क्राइटेरिया क्या है? आयु सीमा बताई गई है, आपकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और जो एज की कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2025 से। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, मतलब अगर मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि एससी एसटी, उन्हीं को केवल एससी एसटी रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को एससी एसटी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे स्टेट के कैंडिडेट जो कि एससी एसटी है उनको एज अ जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चयन प्रक्रिया का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? OMR बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सिलेबस भी अभी आ जाएगा। जैसे ही OMR बेस्ड एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, 1:3, मतलब हर एक पोस्ट के लिए तीन कैंडिडेट, मतलब 120 पोस्ट है तो 360 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 31 दिसंबर को ऑलरेडी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ गया था। ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 28th March को, एप्लीकेशन एंड होंगे 27th April को, और एरर का रेक्टिफिकेशन 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और 29th अप्रैल को खत्म हो जाएगा।
तो मेरा मेरे मेरा एडवाइस ये रहेगा, आप कोई भी एरर ना करो, कोई अगर डाउट आता है मुझसे पूछो एडवर्टाइजमेंट कैसे से पढ़ो। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से करोगे, mpps.mp.gov.in और www.mppsc.mp.gov.in, यही एकमात्र उपाय है एप्लीकेशन करने का। अभी फीस कितनी लगेगी आपकी? बेसिकली जो एमपी के कैंडिडेट्स है या जो एमपी के निवासी है, SC ST या OBC, SC ST क्लेम करते हैं तो उनको 250 रुपये फीस लगेगी। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे तो 500 रुपीज, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स ऑफ एमपी एज वेल एज अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अदर स्टेट्स विल हैव टू पे 500 रुपीज एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी क्रिमिनल उसको 250 रुपीज। फॉर्म फिलअप करते के टाइम कोई भी परेशानी आ रही है तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनका फोन नंबर भी अवेलेबल है, ईमेल आईडी भी अवेलेबल है। मैं तो ये कहूंगा कि आप ये सब चीजें नोट करके रख लो। और अभी क्या है, मेरे चैनल के थ्रू आपको पता चल जाता है कि मल्टीपल वैकेंसीज आ रही है, तो आप एक डायरी मेंटेन करो कि भाई इस डेट से ये वाली वैकेंसी थी, इसका आईडी पासवर्ड यहाँ पर लिखा है मैंने, तो इसके एग्जाम इतने टाइम को होने वाले, इसका सिलेबस ये है, इसके प्रिपरेशन मैं इस तरीके से करूंगा। कि हॉचपॉच नहीं होना चाहिए कि वीडियो देख लिया भूल गए, बिकॉज रिक्रूटमेंट ड्राइव के जो जो एडवर्टाइजमेंट है या जो इन्फॉर्मेशन है इतना सेंसिटिव है, भूलने की तो चांस ही नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस कमीशन 120 वैकेंट पोस्ट रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका वेब इसका सिलेबस क्वेश्चन पेपर विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए रसायन शास्त्री के चैनल पर बने रहे। अभी मैंने आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री, उसको जरूर देखो। उसको वो सब कैंडिडेट्स के लिए बनाया है कि मैंने जो बीएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं और एमएससी में एनरोल हुए या एमएससी भी कर चुके हैं, तो बेसिकली उनको ये आइडिया मिलेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक मैंने ब्रीफ वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देखो, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Get into the Rashan Shastri channel for latest updates regarding chemistry recruitment, regarding your NEET, IIT, JEE, chemistry preparation, anything.